हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग? ऐसे जो भी स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड के हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के हैं, या फाइनेंशियली वीक हैं, यानी कि इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो ट्यूशन लगा सकें, तो बेटा अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। या ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, समझने में दिक्कत होती है और कोई ट्यूटर उन्हें ऐसा नहीं मिल पाता कि उनसे अपनी बात वो कर पाएँ, अच्छे से बात कर पाए, या टीचर उन्हें अच्छे से समझा पाए, तो बेटा अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो बच्चा टॉप करना चाहता है, ब्रिलियंट है, उसके भी मैं साथ हूँ। आप मुझसे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ले सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इस चैनल पर हमेशा मैंने बोला कि हम आपकी मदद के लिए हैं, हम आपसे हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप मुझसे हो, बेटा मैं आपसे हूँ। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555151995। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं बेटा, वो है हमारे पास चैप्टर जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट। तो हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ना घबराएं कि अब उन्हें ये लगता है कि सर किस विषय में या किस लैंग्वेज में समझाएंगे। बेटा मैं दोनों में समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा और बहुत आराम से समझाऊंगा। अगर आप वास्तव में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक तो आप हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर लोगे इस नंबर पर। जो गर्ल्स हैं वो परेशान रहती हैं कि सर अगर हम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कुछ हमारा नंबर सब जगह पर पहुँच जाए। तो बेटा गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप होता है, बॉयज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट है। गर्ल्स का नंबर बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, आपको घबराने की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बहनें हो और आपकी सिक्योरिटी मेरी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिएगा, तो अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप मुझसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी या अपने कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मैं हमेशा बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ और हर चीज़ में आपके साथ। तो चलिएगा जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बात समझते हैं कि आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है तलपट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायल बैलेंस, ये है क्या। मैं सब कुछ जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है बेटा, ये सब कुछ बहुत सारे मेरे पास डेफिनेशन हैं, पूरी की पूरी PDF है। मैं इसे लोग एक तरफ हटा देता हूँ, कहता हूँ नहीं भैया सिर्फ बातचीत करूँगा मैं आपसे। ये तलपट चीज़ क्या है बेटा, इस तलपट को समझने के लिए खुद अगर आप ऐसे स्टूडेंट पर जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वाणिज्य अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती, और मैं सीधे आपको तलपट बता दूं, तो बेटा ये आपके साथ जुल्म होगा, आपके ऊपर एक कहर ढाने वाली बात होगी। मैं बताता हूँ ये चीज़ है क्या, थोड़ा सा सीक्वेंस समझाता हूँ। देखो बेटा मेरे बच्चे, अकाउंट्स में होता क्या है, एक बात यहाँ से समझना, ये अकाउंटिंग है क्या चीज़, ये कैसे काम करती है, कैसे तलपट बनाया जाता है ना। मैं पढ़ा तलपट ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे आपको रटाना नहीं है, मुझे आपके माइंड में डालनी है बेटा ये कॉमर्स होती क्या चीज़ है। आपको याद नहीं करानी है, आपके तन मन में आपके खून में दौड़नी चाहिए बेटा वाणिज्य। अभी तलपट क्या है जैसे मैं आपको समझा दूंगा ना बेटा, आपके खून में दौड़ेगा। खून में दौड़ने का मतलब हर एक अंग को पता लग जाएगा कि तलपट होती क्या चीज़ है, आपके माइंड के हर जगह पर पहुंच जाएगा। तो कहोगे सर बताओ तो सही, सुनो मेरे बच्चे। देखो अकाउंट का छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, अकाउंटिंग होती कैसे है बेटा। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, अकाउंटिंग होती कैसे है, जब भी कोई कंपनी बेटा क्या करती है, कुछ सेल परचेज करती है, कुछ सामान को बेचती है खरीदती है। मान लो कंपनी ने कोई सामान बेचा या कोई सामान खरीदा, है ना, तो इस खरीदने और बेचने के बदले कंपनी को बेटा बिल मिलते हैं। बिल जब भी कंपनी सामान बेचेगी या सामान खरीदेगी, तो उसे सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा, बिल मिलेगा। कहोगे सर ये क्या है, हाँ जी यहीं से स्टार्टिंग होती है अकाउंटिंग की। कंपनी ने मशीन खरीदी, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी, कंपनी ने किसी को किराया दिया, कुछ भी हुआ बेटा, बेटा किसी भी कंपनी में बिना बिल के कुछ काम नहीं होता। अगर बिल नहीं ना तो अकाउंट ही नहीं है, ये समझ लो बेटा। जैसे ही सामान बेचा जाएगा तो क्या मिलेगा, बिल मिलेगा। इस बिल को लेकर आएंगे और अपना जो अकाउंटेंट होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो जो बाबू होते हैं बेटा कंपनी के अंदर, या बोल सकते हैं जो क्लर्क होते हैं, उन क्लर्क को बिल दे दिया जाता है कि लो भैया हमने इतने का सामान खरीदा, ये रहा बिल। अब वो क्या करेंगे, इस बिल की हेल्प से एंट्री करेंगे किताब के अंदर। और आपने सुना होगा कि नाम होता है जर्नल एंट्री। देखो नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, हम तुम तो नॉर्मल भाषा में अपनी कॉपी के अंदर लिख लेते हैं, हमने सामान बेचा भैया कॉपी में लिख लिया, सामान खरीदा कॉपी में लिख लिया। लेकिन अकाउंट की ना एक अपनी लैंग्वेज है, जैसे हमारी लैंग्वेज है ना बेटा, हम बात करते हैं
बिहार के लोग अलग बात करते हैं, यूपी के लोग अलग तरह से बात करते हैं, ठीक है, जापान के लोग अलग तरह से बात करते हैं, वैसे अकाउंट बेटा अलग तरह से ही बात करती है। वो डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज में नहीं लिखती, उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक बोलने की लिखने की एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक साइंस है, उसे बोला जाता है जर्नल एंट्री। क्या बोला जाता है बेटा? जर्नल एंट्री। आपने नाम सुना भी होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा रोज नामचा, रोज नाम चा। तो जैसे ही कंपनी के क्लर्क को बिल मिलेगा, कंपनी का क्लर्क क्या करेगा, उस बिल को देखकर, बिना बिल के नहीं बेटा, बिना बिल के कोई जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, सबसे पहले बिल मिलता है, बिल को देखकर वो क्या करेगा, एक जर्नल एंट्री कर देगा, एक रोज नामचा, मतलब लिख देगा कि मैंने उससे अकाउंट सामान खरीदा। एक तरीके को पैटर्न में लिखने को बोलते हैं बेटा जर्नल एंट्री, है ना। अकाउंट में सब चीजों लिखने का जो एक विशेष विधि है, उस विधि को ही जर्नल एंट्री कहते हैं। और आपको जर्नल एंट्री अगर सीखनी है तो ऑलरेडी बेटा मेरी 4 क्लास ग्रुप पर पड़ी हुई है, आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको जर्नल एंट्री क्लास भेज दूंगा। बहुत ही ईजी मैंने समझाया बेटा, जो मेरा तरीका है बताने का, इजी सा तरीका, इजी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो जो जर्नल एंट्री है, रोज नाम चाहे बेटा, ये बनने के बाद क्या होता है, मैंने पूरे महीने में जो भी सामान खरीदा होगा, बेचा होगा, लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा। राम को पैसे दिए होंगे वो लिख दूंगा, शाम को पैसे दिए वो लिख दूंगा, राम ने से पैसे आ गए, शाम से पैसे आ गए, मतलब सब चीज़ें मैं लिखता रहूंगा बेटा, पूरे महीने तक लिखता रहूंगा, साल भर लिखता रहूंगा। जब साल का एंड हो जाएगा तो अब मैं ना छोटे छोटे खाते बनाऊंगा। छोटे छोटे क्या बनाऊंगा बेटा? खाते। खातों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अकाउंट बनाऊंगा बेटा। इसका एक तरह का नाम होता है लेजर पोस्टिंग, कुछ बच्चे जानते होंगे बेटा जिन्हें अकाउंट आती है, लेजर बनाना बेटा। खातों को बनाना क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, खैतों नहीं करना। अब इन जनरल एंट्री से मैं क्या करूंगा, राम राम क्या, जो मैंने राम को पैसे दिए, राम से पैसे आए, राम को सामान बेचा, फिर पैसे आए, फिर बेचा, फिर पैसे आए, मैं राम का एक खाता बनाऊंगा, उसमें जितनी मैंने जनरल एंट्री की थी राम राम वाली, वो सारी एंट्री मैं इसके अंदर लिखता चला जाऊंगा। राम को पैसे दिए, राम से पैसे आए, राम से पैसे दिए, राम के पैसे आए, और एंड में मैं एक शेष निकाल लूंगा कि राम से इतना पैसा मिलना बाकी है। वैसे मैं एक दूसरा खाता बनाऊंगा, जितनी भी जनरल एंट्री की थी रोज नामचा किया था, उस रोज नामचे की हेल्प से मैंने कितनी बार मोहन को सामान बेचा खरीदा, कितना उसे पैसा देना है, कितना लेना है, कितना देना है, कितना लेना, सब कुछ करते 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 एंड में मैंने उसका भी शेष निकाल लिया कि भैया मुझे उसे 4,000 रुपये देने हैं। वैसे मैंने क्या किया, मशीन खरीदी, फिर मशीन बेची, फिर खरीदी, फिर बेची, फिर खरीदी, कुछ मशीन खराब हो गई, कुछ टूट गई, कुछ जल गई, कुछ चोरी हो गई, वो सब कुछ लिखता रहा बेटा मैं इसके अंदर बेटा, एक अलग से खाते में। सबसे पहले बेटा बिल आते हैं, बिल आने के बाद क्या होता है, मैं रोज नाम चाहिए जनरल एंट्री बनाता हूँ, जनरल एंट्री की हेल्प से मैं खाते बनाता हूँ बेटा, हर व्यक्ति का अलग अलग खाता बनाया जाता है। फिर मैंने ऐसी मशीन का खाता बना लिया, मशीन का खाता मैंने क्या बना लिया बेटा, छोटा कर देता हूँ चलो, मशीन का खाता, और देख ले कि एंड में मेरे पास 20,000 रुपये की मशीन बाकी है। कितने की मशीन बाकी है? 20,000 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, सारे खाते बनाने के बाद उन खातों के शेष निकाल लेता हूँ, सब खातों के मैंने क्या निकाल लिए, शेष। अब इन खातों के शेष को एक टेबल में लिखा जाता है। अभी देखने बेटा आपको मजा आ जाएगा, आप अपनी कुर्सी से 4-4 इंच कूद जाओगे ऊपर। इन सभी खातों के जो शेष होते हैं उन्हें आप एक टेबल के अंदर लिख लोगे, मोहन को कितना पैसा देना है, सोहन से एंड में कितना पैसा लेना है, कितने की मशीन बची है, कितने की बिल्डिंग बची है, कितना फलाना, कितना ढिमकाना, एक टेबल के अंदर इन सबको लिख दिया जाता है। और इस टेबल के दो भाग होते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं डेबिट ऋणी भाग, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट धनी भाग, ऋणी और धनी, डेबिट और क्रेडिट, दो भाग होते हैं। कुछ का पैसा इस भाग में लिखते हैं, कुछ का पैसा इस भाग में लिखते हैं। एंड में होगा क्या, अगर आपने सारी जनरल एंट्री बिल्कुल सही बनाई, आपने सारे खाते बिल्कुल सही बनाए, आपने सारी जोड़ घटा बिल्कुल सही की, तो एंड में इसका जो डेबिट वाली साइड है ना बेटा, क्रेडिट वाली साइड के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी इस टेबल के। और जानते हो ये टेबल क्या थी? ये टेबल ही थी ट्रायल बैलेंस। ये टेबल क्या थी? ट्रायल बैलेंस, यानी कि इस टेबल को हम बोलते हैं तलपट। ओके सर क्या कह दिया, सुनो बेटा ध्यान से, तलपट होती क्या चीज है। अब मैं आया तलपट पर बेटा, अब मेरी अब हुई जबरदस्त एंट्री तलपट की। तलपट क्या होती है बेटा? एक टेबल होती है जिसमें सभी खातों के अंतिम शेष को लिखा जाता है। टेबल क्या है, तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक टेबल है। कैसी टेबल है? जिसमें सभी खातों के
अंतिम बैलेंस को, अंतिम शेष को लिख दिया जाता है और जिससे उन खातों की गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। कहोगे सर ये कैसा बोल रहे हो, कहने का मतलब सभी खातों के शेष को मैं इस टेबल में लिख दूंगा और इससे पता लग जाएगा कि सारे खातों में गणितीय शुद्धता थी कि नहीं थी, यानी कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, कहीं जोड़ घटाने में कहीं गलती तो नहीं की। अगर आप कोई खाते ये बना रहे थे, सब लोगों का शेष निकाल रहे थे, कितना पैसा देना है कितना पैसा लेना है, अगर आपने कहीं भी जोड़ घटा में गलती की होगी, ये इसकी खूबसूरती है ट्रायल बैलेंस की। अगर आपने किसी भी खाते को बनाते समय पर देना लेना अगर आपने कुछ भी गलती कहीं पर कर दी है, तो ये बेटा ये जो लास्ट वाली टेबल है ट्रायल बैलेंस, ये दोनों साइडें बराबर नहीं आती और आपको पता लग जाता है कि भैया आपने खाते में गड़बड़ कर रखी है। ये समझ लो ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है, इसके दो कारण एक तरह से, वैसे बाकी हम चर्चा पूरी करेंगे। एक तो कारण ये है कि इसे देखकर आपको ना पूरा सारांश, पूरी समरी मिल जाती है, यानी कि बार बार खाते नहीं देखोगे मोहन से कितना लेना, मोहन वाला खाता खोलोगे, फिर सोन का खाता खोलोगे, बिल्डिंग का खाता खोलोगे, ये समझ लो सारे खातों की एक समरी एक साथ लिख दी बेटा हमने। समरी समझते हो बेटा, सारांश, सब खातों का सारांश है, निचोड़ है क्या ट्रायल बैलेंस। मैं ऐसे बोल सकता हूँ सारे खाते के निचोड़ को ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लिख दिया तो हमारा तो टीचर काट देगा, बड़ा तेज टीचर है हमारा, तो नहीं काट सकता भाई, कैसे ना काट देगा, मैं ना बैठा हूँ, मुझे फोन कीजिएगा अगर काटता है तो, मैं आऊँगा बात करने के लिए, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक समरी है, एक सारांश है बेटा बाकी सभी खातों का। पहली बात तो समरी हो गई है, इसे पहला फायदा क्या हुआ, समरी है, सब खातों को आराम से देख सकते हैं बैठे बैठे, राम से लेना कितना, शाम से लेना कितना, सबके अंतिम बैलेंस आएंगे बेटा, कितनी बार बेचा कितनी बार खरीदा वो नहीं आएगा इसके अंदर, बेचा खरीदा अंत में कितना पैसा देना है या कितना पैसा लेना है, उसका सारांश बेटा मैं इसके अंदर लिख दूंगा और गजब दोनों साइडें क्या आ जाएंगी बेटा इसकी बराबर। तो समझ रहे हो बेटा बात को। तो अकाउंट का प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले सामान बेचते हैं, बेचकर क्या मिलता है बेटा, बिल। बिल की हेल्प से मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले बिल मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाऊंगा खाते, खातों का शेष आएगा, वो शेष मैं कहाँ लिखूंगा ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में। अब मेरे पास क्या बनकर तैयार हो जाएगा बेटा, तलपट बनकर तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाएगा और इसी ही टेबल को मैं बोल दूंगा ट्रायल बैलेंस। अच्छा चलते हैं भैया, कहोगे सर ये तो आपने अजीब अजीब सा बोल दिया, अरे भैया डेफिनेशन तो दिखा दो सर जी, जो हम पेपर के अंदर लिख कर आनी है, तो क्या होती है डेफिनेशन सर, वो तो समझा दो कम से कम, इसकी परिभाषा तो समझा दो। तो भाई ये भी ले लो, बाकी मैं पीडीएफ आपके ग्रुप पर भेज दूंगा। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए समय समय पर समस्त खातों के ऋणी मतलब डेबिट और धनी यानी कि क्रेडिट दोनों पक्षों के योग या उनके शेष की सहायता से एक सूची बनाई जाती है और उस सूची को क्या कहते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए एक सूची बनाई जाती है और उस सूची के अंदर क्या लिखते हैं, सभी खातों के अंतिम शेष को लिखा जाता है और उस सूची को हम क्या बोल देते हैं, उस सूची को हम ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं। ट्रायल बैलेंस में यानी कि तलपट में दो कॉलम होते हैं, एक ऋणी यानी जिसे हम बोलते हैं डेबिट और एक धनी जिसे हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो जरूर बेटा मुझे कमेंट करना, फिर आप भूल जाओगे कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आज पहली बार हमें इतना अच्छा समझ में आया। दूसरा, यदि दोनों कॉलम का योग मिल जाता है तो यह माना जाता है कि खाते गणितीय रूप से शुद्ध हैं, यदि योग नहीं मिलता तो माना जाता है कि कोई ना कोई गणितीय त्रुटि हुई है। देखो ऐसा लिखा कि नहीं लिखा बेटा, यदि दोनों कॉलम मिल जाते हैं तो माना जाता है गणितीय रूप से शुद्ध है, यदि योग नहीं मिलता है तो माना जाता है कि कोई ना कोई गणितीय त्रुटि रह गई है। ये तो रे बेटा इसकी डेफिनेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कौन सा पैसा डेबिट में लिखते हैं कौन सा क्रेडिट में, बेटा वो तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे, वो बात की बात है बेटा, है ना, कौन सा डेबिट में लिखेंगे कौन सा क्रेडिट में लिखेंगे वो तो बनाने का तरीका है ना, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपको समझाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक दोस्त हैं आराम से समझेंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जब तक मैं हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रखा है तलपट की विशेषता क्या क्या है। भाई अब क्या है, अगर आप तलपट को पूरी तरह से समझ गए ना तो विशेषता तो आप खुद बना बना कर भी लिख दोगे, है कि नहीं है, हंस लिख देंगे। खाता बही में सभी व्यापारिक सौदों के खाते नियमानुसार खुलने के बाद तलपट बनाया जाता है,
तो सबसे पहले सारे खाते खोल लेते हैं, यानी कि सारे अकाउंट्स बनाने के बाद, याद रखना, सारे अकाउंट्स बनाने के बाद आप लिखोगे सारे खाते। ये तो बड़ी टिपिकल लैंग्वेज बेटा, कभी कभी मैं भी लिखता हूँ, टिपिकल लिख देता हूँ। आप सिंपल लिखोगे सारे खाते बनाने के बाद तलपट बनाया जाता है, पहली विशेषता, खाते बनने के बाद तलपट बनाया जाता है। अच्छा, तलपट में कितने कॉलम होते हैं? खातों का ऋणी तथा धनी पक्ष को जोड़ा जाता है, उसके बाद खातों के शेष निकाले जाते हैं, है ना? एक सेकंड बेटा, अब बच्चे कह रहे हैं सर क्या स्क्रीन चली गई है, तो क्यों घबरा रहे हो? मैंने फिर से बोला मैं हूं ना, जब तक मैं हूं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सांस ले सकते हो, पानी पी सकते हो, वीडियो बंद नहीं करोगे बेवकूफ हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो स्क्रीन चली गई है, वीडियो बंद करने वाली क्या बात आ गई भाई इसके अंदर? तब तक आप कमेंट कर दो ना कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दो, है भाई? ना करोगे चलिएगा, तो एक मिनट में आपकी स्क्रीन आ जाएगी बेटा, क्योंकि वाईफाई की दिक्कत हो जाती है और हमारी स्क्रीन चली जाती है। चलिएगा, आ गए हम वापस। तीसरा, तलपट अधिकतर वर्ष के अंत में बनाया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे मासिक वगैरह भी बना सकते हैं। तो मजाक की बात हो गई। वैसे नॉर्मली तलपट कब बनाते हैं बेटा? जब पूरा साल खेतौनी कर लेंगे, मतलब सारे खाते बना लेंगे, खाते बनाने के बाद वर्ष के अंत में हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। लेकिन आप चाहो तो तीन तीन महीने में भी बना सकते हो, छः छः महीने में बनाकर गणितीय शुद्धता की जाँच कर सकते हो कि हमने खाते सही बनाए कि खाते सही नहीं बनाए। तलपट एक निश्चित अवधि पर खातों के योग तथा शेष को दर्शाता है। यह खाता बही के समस्त खातों के सभी व्यवहारों का सारांश होता है। इसके बनाने का प्रमुख उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जांच करना तथा वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने के लिए सूचना तथा आधार प्रदान करना है। लो भैया, ये तो सारे इसके क्या हो गए? विशेषताएं होगी। नहीं लिख पाओगे इसकी विशेषताएं। खाता बही के समस्त खातों के व्यवहारों का सारांश होता है, मतलब सभी खातों का ये सारांश होता है। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे वाले जो मैंने लिखवाया ना बेटा, मत लिख कर आना पेपर में। अब तो आपको पता लग गया, आप खुद लिख कर आना भैया इसकी विशेषताएं, इसके गुण खुद लिख कर आना। क्या गुण है बेटा इसके अंदर, क्या विशेषता है? वर्ष के अंत में बनाया जाता है, सभी खातों का सारांश लिखा जाता है, खाते बनने के बाद ये बनाया जाता है, तिमाही भी बना सकते हो, चौमाही भी बना सकते हो। इसका उद्देश्य होता है भैया खातों की गणितीय शुद्धता की जाँच करना। और पाँच सात तो बेटा आप तो मुझसे ज़्यादा चालाक इंसान हो, मैं तो कम बना पा रहा हूँ, आप तो पता नहीं क्या क्या बना देते हो। मेरे सर जी हमें पास कर देना, जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ, सर हमें पास कर देना, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में आज ही मेरी बहन की शादी हुई है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, मैं उसका इकलौता भाई था, मैं उसका मम्मी था, मैं उसका पापा था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ की कहानी लिख देते हो बेटा। अरे जब लिखनी ही है तो बेकार वाली कहानी लिख कर थोड़ी ना पास होता है मेरे बच्चे, अच्छी वाली कहानी लिखना पास हो जाओगे। बताओ ट्रायल बैलेंस की विशेषता लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना बताओ बेटा। सर लिख सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं और इसे बनाने की बेटा दो विधियाँ होती हैं, तलपट बनाने की दो विधियाँ हैं, और इन विधियों को हम समझेंगे बेटा अगली वाली क्लास में। चलिएगा, तब तक मैं अपनी इस क्लास को बंद कर देता हूँ। आज आप ट्रायल बैलेंस का एक बेसिक तो समझ ही चुके होंगे कि ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज़ है। बनाने की दो विधियाँ हैं, इसको एक योग विधि बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? शेष विधि। इन दोनों विधियों को मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, मेरा वादा है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तब तक चलिएगा, हाथ जोड़कर बेटा आपको प्रणाम है, और अपनी इस क्लास को मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा मैसेज का नंबर है। चलिएगा।